सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई थिंक सब बढ़िया होंगे, बढ़िया ही रहना। सो आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल नॉलेज फैक्ट एंड गेमिंग चैनल पर। यदि चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी भी यूट्यूब पर, गूगल पर ओनली यही सर्च कर रहे हैं कि डेट ऑफ बर्थ, लॉक अकाउंट का डेट ऑफ बर्थ कैसे चेंज करें, लॉक अकाउंट का डेट ऑफ बर्थ कैसे चेंज कर सकते हैं, बस ऐसे ही सर्च कर रहे हैं। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है और उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। तो मेरी बात पूरी एंड तक ज़रूर देखिएगा। यदि आपने मेरी बात एक एक तरीके से सुन ली तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका अकाउंट 100% ही रिकवर हो जाएगा, ठीक है। और आपका डेट ऑफ बर्थ यदि आपको चेंज करना है तब आपका डेट ऑफ बर्थ भी चेंज हो जाएगा। और ये बिना डेट ऑफ बर्थ चेंज किए भी कैसे अकाउंट अनलॉक कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, फिर आपको बताऊंगा क्या कैसा प्रोसेस है। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि आप बिना डेट ऑफ बर्थ, मतलब कि बिना उसके, मतलब डेट ऑफ बर्थ चेंज किए भी अपना अकाउंट्स अनलॉक कर सकते हो। तो वो कैसे कर सकते हो, जैसे कि मैंने पिछली भी बहुत दो से तीन चार वीडियो बना दी हैं, लेकिन आपको फिर भी बता देता हूँ जो न्यू है उनको नहीं पता है। तो वो ऐसा है कि यदि आपका डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं हो रहा है और आपका डेट, मतलब कि आपके में आ रहा है एंटर डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन, या आपके में, मतलब कि आप आईडी सबमिट करने का सोच रहे हो कि मैं फेसबुक वालों को आईडी सबमिट कर दूं और मेरा फेसबुक अकाउंट रिकवर हो जाएगा, तो भाई मैं आपको बता देता हूं। आप यदि आप अपनी आईडी सबमिट करने का सोच रहे हो या अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज करने का सोच रहे हो तो आप ओनली अपना टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है। क्योंकि यदि आप आईडी सबमिट करने का सोच रहे हो तो आप आईडी सबमिट कर दे, यदि आपका डेट ऑफ बर्थ चेंज हो जाता है और हो भी जाएगा, मैंने आप वीडियो बनाई है, यदि आप वो फॉलो करते हो डिस्क्रिप्शन में भी उन वीडियो का लिंक दिया है, वो हो भी जाएगा डेट ऑफ बर्थ चेंज। बट आप ये सुनो जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि डेट ऑफ बर्थ चेंज हो जाएगा आपका तो आप करोगे क्या, चाहे यदि आप अपनी आईडी सबमिट करोगे और डेट ऑफ बर्थ चेंज होने के बाद भी फेसबुक वाले, मैंने देखे हैं ऐसे केस कि अनलॉक होने के बाद डेट ऑफ बर्थ तो चेंज हो गई थी, उन्होंने अबाउट में जाकर मैंने चेक किया तो डेट ऑफ बर्थ चेंज हो गई थी, उन्होंने जो कहा था वैसे ही डेट ऑफ बर्थ चेंज हो गई थी आईडी के अनुसार, बट फिर भी वो अकाउंट्स अनलॉक नहीं कर रहे थे। जब अनलॉक हुआ तो पता चला कि डेट ऑफ बर्थ चेंज थी, फिर भी वो आईडी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो ऐसा क्यों है, तो ऐसा फेसबुक वाले ही को पता होगा, मुझे पता नहीं है ऐसा क्यों है। और कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ चेंज हुआ था और आईडी भी एक्सेप्ट हुई है, हुई थी, फिर भी उनका अकाउंट अनलॉक नहीं हो रहा था, तो उनका भी अकाउंट अनलॉक हो गया है, ठीक है। वो कैसे हुआ है वो भी आपको बताता हूँ। तो यही कह रहा हूँ कि आपको डेट ऑफ बर्थ चेंज करने से कुछ भी फ़ायदा नहीं है, ओनली आपका टाइम वेस्ट है और आपका डाटा वेस्ट है और आपका दिमाग ख़राब होगा, मतलब कि दिमाग पे टेंशन बढ़ेगी कि डेट ऑफ बर्थ चेंज हो जाती तो शायद मेरा फेसबुक अकाउंट रिकवर हो जाता और मेरी आईडी एक्सेप्ट हो जाती तो मेरा फेसबुक अकाउंट रिकवर हो ही जाता। बट ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो कि यदि आईडी एक्सेप्ट हो जाती तो हमारा फेसबुक अकाउंट रिकवर हो जाएगा, क्योंकि फेसबुक अकाउंट यदि आपकी आईडी सबमिट कर देते हो, आपका आईडी एक्सेप्ट हो जाता है, तब भी फेसबुक वालों के द्वारा, अभी फेसबुक टीम के द्वारा जो वो लिंक देते हैं, कोड देते हैं, वो भी एक्टिवेट नहीं है। अब वो कब एक्टिवेट करेंगे वो फेसबुक टीम ही जाने, फेसबुक वाले ही जाने। तो वो अभी एक्टिवेट नहीं है, वो एक्टिवेट इसलिए भी नहीं हो सकती क्योंकि अभी एक तो COVID-19 चल रहा है, ठीक है, और अलग से अभी कम, मतलब कि उनके पास टीम हैं, मतलब कि तब भी वो ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यू ले रहे हैं आईडीज़ का और आईडी कर रहे हैं और आईडी अनलॉक भी कर रहे हैं, बट 1%, मतलब कि नाम मात्र आईडी एक्सेप्ट होने के बाद अनलॉक हो रही है, नाम मात्र, एक या दो आईडी, 100-200 में से एक या दो आईडी अनलॉक हो जाएंगी जिन आईडी लिंक कोड वर्किंग करा। लेकिन मेरे द्वारा अभी तक कम से कम 50 से ज़्यादा अकाउंट्स अनलॉक हो गए हैं, कम से कम 50-55 अकाउंट्स अनलॉक हो गए हैं और ज़्यादा भी हो चुके, डेली एक दो अकाउंट्स अनलॉक हो जाते हैं। तो इन लोगों को कैसे अनलॉक हुआ है, तो अब मैं आपको यही बता रहा हूँ, ठीक है। इन लोगों का अनलॉक कैसे हुआ, तो मैंने इन लोगों से कहा था कि आपका, जैसे कि जिनका आई डी एक्सेप्ट हुआ था, अब उनका बताता हूँ, जिनका डेट ऑफ बर्थ चेंज हुआ, आई डी एक्सेप्ट हो गया और तब भी उनका लिंक कोड वर्किंग नहीं रहा, तो उनसे मैंने कहा था कि भाई आप अपने अकाउंट्स को कम से कम
15 से 20 दिनों के लिए लॉग आउट कर दो। तो उन्होंने 15 से 20 दिनों के लिए लॉग आउट करके रखा। जब 15 से 20 दिनों के बाद उन्होंने देखा कि लॉगिन किया तो उनके पे गेट कोड का ऑप्शन था, ठीक है, गेट कोड का ऑप्शन था। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका 15 से 20 दिन रखने पर गेट कोड का ऑप्शन नहीं आया है। तो इस पर भी ऑलरेडी वीडियो कल परसों अपलोड किया था, वीडियो दो दिन पहले, कल का छोड़ के परसों किया था अपलोड, तो उस पर मैंने बताया था। तो उस वो वीडियो भी आप चेकआउट कीजिए 100%। यदि आपने लॉग आउट करके भी रख लिया फिर भी नहीं हुआ है तो वो वीडियो जरूर ही देखें, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। और अनलॉक हो गया था, ठीक है, गेट कोड का ऑप्शन आ जाता है, अनलॉक हो जाता है। जिनका आईडी एक्सेप्ट हो गया था और उन्होंने किया, ऐसा हो गया। और जिनका आईडी एक्सेप्ट नहीं हुआ है, हो रहा है, डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं हो रही है, तो वो क्या करें? तो वो ये करें कि अपने अकाउंट्स को, मतलब कि वो भी अपने अकाउंट्स को कम से कम 20 दिनों के लिए लॉग आउट करके, मैं कहता तो 1 महीने के लिए, लेकिन कम से कम आप 20 दिनों के लिए लॉग आउट कर दीजिए। मैं कंफर्म हूँ कि आपके अकाउंट्स पर गेट कोड का ऑप्शन आ जाएगा। यदि फिर भी नहीं आता है, कंफर्म आइडेंटिटी पर ही आपका अकाउंट्स अटक गया है, आपका अकाउंट्स मतलब कि यदि मई महीने से या मार्च महीने से, या किसी का तो मैंने ऐसे देखा है कि फरवरी से भी लॉक पड़ा है, तो वो लोग क्या करें? वो लोग न्यू नंबर ऐड कीजिए। कैसे ऐड करना है, क्या करना है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अभी बताया है, तो वही लिंक वीडियो चेकआउट कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। उसमें मैंने लिंक भी दिया है उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप चेकआउट कीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है, मोबाइल नंबर लिंक ऐड करने के लिए, ठीक है। तो वो मोबाइल नंबर ऐड करेंगे और 15 दिनों के लिए वो लॉग आउट करके रख देंगे, तो उनके भी गेट कोड का ऑप्शन न्यू नंबर पे आएगा, देख लेना चाहें आप। जब 15 दिनों के लिए आप बात लॉग इन करोगे न्यू नंबर ऐड करने के बाद, तो उस पर न्यू नंबर पे गेट कोड का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो मैं सीधी सी बात यही कहूँ कि यह कहने का कोशिश कर रहा हूँ कि यदि आप अपने अकाउंट को 15 से 20 दिनों के लिए, मैक्सिमम 20 दिनों के लिए यदि लॉग आउट करके रख देते हो, तो आपका अकाउंट्स पर गेट कोड का ऑप्शन आ जाएगा, समझ रहे हो, गेट कोड का ऑप्शन आ ही जाएगा। यदि फिर भी नहीं आता तो मैंने बता ही दिया है आपको क्या करना है, समझ। तो अपना टाइम वेस्ट मत करो, और यदि आप ऐसे टाइम वेस्ट करते रहोगे और किसी स्कैमर्स के चक्कर में आप फंस गए, तो आपके 800 से 1000 रुपये चले जाएंगे। यदि आपने उसको बता दिया कि मेरी आईडी रियर है, ये वो करके, तो आपका आईडी भी जा सकता है और मेंबर एक रुपए भी जा सकते हैं। रुपए तो जाएंगे ही, वो गारंटी है मेरी, लेकिन आईडी भी चली जाएगी। तो स्कैमर्स से अलर्ट बने रहिए। कुछ इंस्टाग्राम पे आपको फेक स्कैमर्स मिल जाएंगे, जो कि फेक तरीके से उन्होंने फॉलोवर्स इंक्रीज कर लिए हैं और आपको लगता है कि वो ट्रस्टेड हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। और आप उनके स्कैम में फंस जाओगे तो आपका आईडी भी खो बैठोगे और आप स्कैम हो जाएगा आपके। तो टाइम वेस्ट मत कीजिए, अभी भी मौका है। यदि अब भी आप 15 से 20 दिनों के लिए लॉग आउट करके रख देते हो, तो आपके एक डेफिनेटली गेट कोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय। स्कैमर्स से अलर्ट बने रहिए। और यदि अब भी आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ही कर लेना, क्योंकि फेसबुक से रिलेटेड कोई सा भी प्रॉब्लम्स हो, आप मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए, आपको 5 से 6 मतलब कि रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, चाहे जितने टाइम बाद मिले, 4 दिन 3 दिन 5 दिन, लेकिन रिप्लाई आपको 100% मिलेगा, क्योंकि भाई मैं रिप्लाई सभी का ही देता हूँ, वो फ्री सभी की हेल्प करता हूँ, कोई पेड फीस नहीं है। और अदर्स यदि आप जाओगे तो आपको पेड करेंगे, लेकिन मैं किसी के साथ भी स्कैम मैंने आज तक ना किया है ना ही करूँगा। बस ओनली आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, वही मेरे लिए बहुत काफ़ी है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टाटा।